और अब देश की वायुसेना पर गर्व करने वाली खबर. विंग कमांडर तरुण चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स के इतिहास के पन्नों में उस वक्त अपना नाम दर्ज करवा दिया जब उन्होंने विंग सूट पहनकर 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी. 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग, जी हाँ. विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग सूट पहनकर आसमान से छलांग लगाने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट बन गए हैं. विंग कमांडर चौधरी ने 21 जुलाई को जोधपुर में करगिल दिवस के मौके पर ये करतब करके दिखाया. भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर की. इंडियन एयरफोर्स ने लिखा, चाहे कोई एडवेंचर हो या कोई ऑपरेशन, ये करतब इंडियन एयरफोर्स के स्वभाव और दक्षता की गहरी छाप है. और अब मुंबई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दें. बॉम्बे हाईकोर्ट ने खतरनाक और पुरानी इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बेहद खतरनाक कैटेगरी में आने वाली 500 सरकारी और निजी इमारतों को एक हफ्ते के नोटिस पर गिराने का आदेश दिया है. जो भी खतरनाक इमारतें हैं, हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी से कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर खतरनाक इमारतों को चिन्हित किया जाए, उनको खाली करा दिया जाए, गिरा दिया जाए. मुंबई में इस मानसून की बारिश में कई जगहों पर इमारतें गिरी हैं जिसमें कई लोगों की जान गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एहतियातन ये बड़ा फैसला दिया है. 500 के करीब जो खतरनाक इमारतें हैं, जो खतरनाक इमारतों की श्रेणी में हैं, उन सबको गिराने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से. देखने वाली बात यह होगी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि इस तरह से इमारतों को चिन्हित करने का काम तो पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश कि इन इमारतों को खाली कराइए और गिरा दीजिए. इसी के साथ यहाँ पर देशहित में एक छोटा सा ब्रेक. कुदरत की मनमानी की वीडियो जरूर देखिएगा छोटे से.